2014 से जो जो बोलती है एक भी बात करती है क्या दो करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रही थी दे दी क्या महंगाई चार सौ रूपए गैस सिलेंडर था अभी बारह सौ हो गया तो उस, उसकी बात करें वो उसकी बात नहीं करेंगे दबाव में आके दिया अरे यार उनको रिपोर्ट्स मिला कि जो लोग मौतें हुई है उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री सरकार उनके उनको करना ही था नमस्कार मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टोरी देख रहे कल कांग्रेस का इफ्तार पार्टी था तमाम जो नेता है वो पहुंचे पर क्या बिहार में ये संदेश दिया जा रहा है इफ्तार के बहाने कि हम विपक्ष विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हैं विपक्षी एकता को सवाल उठता है हम दिखा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सर क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट है इफ्तार के बहाने बन इफ्तार के बहाने क्यों बोलते हैं इफ्तार तो हम लोग प्रत्येक वर्ष देते हैं हमारे यहाँ भी होता है सभी लोग देते हैं मुख्यमंत्री जी ने इफ्तार पार्टी दिया ये रमजान का पाक महीना ये हम लोग संदेश देते हैं हम लोग हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सब हम लोग एक हैं और सब लोग एक दूसरे के जो भी होता है उसमें हम लोग शरीक होते हैं लेकिन ये आप जो कह रहे हैं कि संदेश एकजुट एकजुट तो हम लोग हैं क्योंकि अभी देश को बिहार की बिहार को जरूरत है महंगाई को रोकने के लिए बेरोजगारी रोकने के लिए और जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको बेदखल करने के निश्चित तौर पर हम लोग का गठबंधन एक होना चाहिए और मुझे लगता है कि कल जो आप देखे होंगे सभी लोग आए सभी लोग के चेहरे पर जो प्रसन्नता थी उसको देख के लगता है कि हम लोग एकजुट रह के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे विपक्ष का जो ट्यूनिंग है बिहार में तमाम लोगों को मिल रहा है क्योंकि लगातार कई जो सत्ता में दल हैं उन्होंने शराबबंदी के कारण जिनकी मौत हुई मुआवजे को लेकर मांग कर रहे थे और अब मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया नहीं मांग तो बहुत सब लोग बहुत लोग कर रहे थे लेकिन अभी उन्होंने चूंकि देखा कि जैसे कोई वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं अगर उनका देहांत हो गया पत्नी और बच्चे पर उनको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है खाने के लिए नहीं है निश्चित तौर पर ये जो मुआवजा दिया गया चूंकि उस, उस महिला का कोई दि, दि, कोई गलती नहीं है बच्चों की गलती नहीं है इसके लिए चार लाख रुपया जो मुआवजा दिया गया इसका मैं स्वागत करते हैं और ये बिल्कुल सही निर्णय है और लेकिन आग्रह करेंगे शराबबंदी है लोग शराब से बचें शराब न पिएँ और शराब माफिया जो है उन पर कार्रवाई हो और जो बड़े पदाधिकारी मिली भगत है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पर बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बीजेपी के दबाव में आकर ये फैसला लिए हैं बीजेपी की जीत हुई बीजेपी 2014 से जो जो बोलती है एक भी बात करती है क्या दो करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रही थी दे दी क्या महंगाई चार सौ रुपया गैस सिलेंडर था अभी साढ़े बारह सौ हो गया उस, उसकी बात करें वो उसकी बात नहीं करेंगे दबाव में आके दिया अरे यार उनको रिपोर्ट्स मिला कि जो लोग मौतें हुई है उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री सरकार उनके उनको करना ही था किसी के दबाव में यह सरकार काम नहीं करती है ये रिपोर्ट्स पे काम करती है पता चला कि उनको कोई देखने वाला नहीं है शराब पिए उनके पति और उनके बच्चे और बीवी को कोई देखने वाला नहीं था इसलिए महिला को सम्मान देते हुए उस बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने चार लाख दिया इसका मैं स्वागत करते हैं यानी बीजेपी गलत बोल रहा है कि बीजेपी के दबाव में आकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी सब लोग चाहते हैं कि जो गरीब गुरुआ है बीजेपी कह रही है कि जीत हुई है अरे बीजेपी का जीत तो सब चीज जीत नौकरी देने में पूछिए ना जीत हो गई महंगाई की बात करें ना वो दो करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात कीजिए आप देखिए ना क्या कर रहा है आप हिंदू मुसलमान को जो बांटने का काम कर रहे हैं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उसकी बात करने बोलिए ना ये तो मुआवजा तो देना ही देना है जब माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया तो ये सरकार ने अनाउंस किया है इससे बीजेपी अपना पीठ थपथपा ले उसे कोई अंतर नहीं पड़ता तो देखिए ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया आपको बता दें बीजेपी के लोग हैं इनका कहना है कि हमारी जीत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आके ये मुआवजा का ऐलान किया बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ धन्यवाद